नमस्कार दोस्तों, भाई आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस का और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट जेड टू का। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों गाड़ियों के बीच में इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोनों में से आपके लिए 2022 या 2023 में कौन सी गाड़ी लेना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। स्कॉर्पियो एन की लेंथ है 4662 mm, विड्थ 1917 mm, हाइट 1857 mm, व्हील बेस है स्कॉर्पियो एन का 2750 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180+ है। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के डायमेंशंस की, तो भाई यहाँ पर लेंथ मिलती है 4456 mm, विड्थ 1820 mm, हाइट 1995 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm। तो भाई यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में हाइट स्कॉर्पियो एन से ज्यादा मिल जाती है, बाकी सब आपको बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची आपको स्कॉर्पियो क्लासिक मिलेगी, लेकिन बाकी सब लंबी चौड़ी आपको स्कॉर्पियो एन ज्यादा मिलती है क्लासिक से। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के दिल की, मतलब भाई इंजन की। तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन में आपको एक तो मिलता है डीजल इंजन, सेम ही डीजल इंजन है 2.2 लीटर यानी 2200 cc का फोर सिलेंडर जो डीजल इंजन है। लेकिन दूसरा यहां पर आपको स्कॉर्पियो एन में एक पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है 2.0 लीटर यानी 2000 cc का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। तो भाई जो स्कॉर्पियो एन का डीजल इंजन है ये आपको 132 bhp जनरेट करके देता है 300 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है, भाई सीधी सी बात है बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल ही मिलेगा, ऑटोमेटिक तो कहां ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों मजे की बात यहाँ पर यह है, स्कॉर्पियो क्लासिक में भी आपको सेम ही पावर और सेम ही इंजन मिलता है, सेम 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसके बेस वेरिएंट में भी आपको, टॉप वेरिएंट में भी। तो भाई यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, आप स्कॉर्पियो क्लासिक ले लीजिए या फिर स्कॉर्पियो एन, दोनों ही आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है यानी दोनों गाड़ियों के पीछे वाले दो पहिए जान लगाते हैं और भाई ये काफी अच्छी भी मानी जाती है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से। लेकिन हाँ वो बात अलग है, थोड़ा सा डीजल की खपत ज्यादा होती है रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में, चलिए उस बात को तो छोड़िए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो भाई इंजन दोनों गाड़ियों में आपको सेम मिलता है, पावर सेम मिलती है, लगभग सभी कुछ सेम है, कुछ भी यहाँ पर अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो भाई स्कॉर्पियो एन में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ऑल फोर डिस्क ब्रेक, ABS, डुअल एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर, EBD, क्रैश सेंसर, पावर डोर अनलॉक, सेंटर लॉकिंग और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो आपको लगभग 5 स्टार मिलती है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए महारानी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको ABS मिल जाता है, डुअल एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको महारानी जी, मतलब स्कॉर्पियो एस में। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। तो भाई सेफ्टी फीचर्स में हल्की सी स्कॉर्पियो क्लासिक से स्कॉर्पियो एन आगे है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको स्टैंडर्ड फीचर्स के नाम पर रियर पार्किंग सेंसर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। लेकिन बात की जाए स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट के फीचर्स की, तो भाई यहाँ पर आपको जो MID मिलती है उसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट से। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। डिजिटल क्लॉक आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में मिल जाती है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको कोई क्लॉक नहीं मिलती। टच स्क्रीन आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, और इसके साथ साथ आपको 4 स्पीकर, USB ऑक्स इनपुट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में ही। लेकिन क्लासिक के बेस वेरिएंट में आपको ना ही तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और जब इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिलता तो 4 स्पीकर्स का आप करेंगे ही क्या। तो भाई अभी तक जितना देखा गया है इंजन तो दोनों गाड़ियों में लगभग सेम ही है, लेकिन भाई सेफ्टी फीचर्स देख लीजिए या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाले फीचर्स देख लीजिए, ये आपको स्कॉर्पियो एन में स्कॉर्पियो क्लासिक से बेहतर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की यानी बाहर की। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो स्कॉर्पियो एन में ये अच्छी बात है, आपको फुल्ली बॉडी कलर मिलेगा, मतलब जैसी गाड़ी आप जिस कलर की खरीदेंगे, व्हाइट खरीदेंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी व्हाइट ही मिलेगी, ब्लैक खरीदेंगे तो पूरी गाड़ी ब्लैक ही मिलेगी। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट में ऐसा नहीं है, अगर आप व्हाइट खरीदेंगे या फिर कोई और कलर खरीदेंगे तो उसकी क्लैडिंग आपको नीचे से ब्लैक कलर में मिलेगी, उसको आपको आफ्टर मार्केट बॉडी कलर कराना पड़ेगा जैसे आपकी इच्छा हो। तो भाई ये तो सीधा सीधा स्कॉर्पियो एन को एडवांटेज जाता है कि उसमें आपको बॉडी कलर मिलता है, काफी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडलाइट मिलती है दोनों ही गाड़ियों में,
लेकिन ORVM पर इंडिकेटर आपको स्कॉर्पियो N के बेस वेरिएंट Z2 में मिल जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के S में तो आपको फेंडर पर ही इंडिकेटर मिलता है, या फिर आप इसका टॉप वेरिएंट ले लीजिए, उसमें भी आपको फेंडर पर ही इंडिकेटर मिलता है। उसके साथ साथ आपको एंटीना मिल जाता है स्कॉर्पियो N में, लेकिन क्लासिक में आपको कोई एंटीना नहीं मिलता। यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं स्कॉर्पियो N में, लेकिन क्लासिक में आपको ब्लैक कलर के ORVM मिलेंगे, उन्हें भी आपको या तो आप क्रोम चढ़ा लीजिए उनके ऊपर, या फिर आप उनको बॉडी कलर करा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको दोनों ही गाड़ियों में 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, अलॉय व्हील्स कोई से में भी नहीं मिलते, और अलॉय व्हील्स की आप उम्मीद रखिए भी मत, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों का बेस ही तो वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट या मिड वेरिएंट तो नहीं है। फॉग लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। बात करें टेल लाइट की तो दोनों गाड़ियों में आपको अपने अपने हिसाब से LED टेल लाइट दी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस की। तो भाई स्कॉर्पियो का जो बेस वेरिएंट Z2 है, इसका पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस है लगभग 12 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया, ऑन रोड मान सकते हैं लगभग 14.5 लाख रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेस वेरिएंट Z2 खरीदते हैं तो ये आपको डीजल इंजन के साथ लगभग एक्स शोरूम इंडिया 12.5 लाख रुपए पड़ता है। लगभग जब तक आप ये वीडियो देखेंगे 13 लाख रुपए हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों इसका ऑन रोड प्राइस आप मान सकते हैं 15.5 लाख रुपए तक में Z2 वेरिएंट आपको ऑन रोड मिल जाएगा इंडिया की किसी भी सिटी में। तो बात की जाए क्लासिक के प्राइस की, तो भाई इसका भी बेस वेरिएंट लगभग 12.20 लाख रुपए में एक्स शोरूम इंडिया मिल जाता है, और ऑन रोड की बात की जाए तो वही लगभग 14.5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो भाई ये बात लगभग सभी लोगों को पता है कि स्कॉर्पियो N की डिलीवरी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। अभी तक तो XUV700 डिलीवर नहीं हो पा रही है, स्कॉर्पियो N तो आपको क्या तक कब मिलेगी जाके। और दूसरी बात ये महिंद्रा वालों का साफ कहना यह भी है कि वो लोग पहले Z8 और Z8 लग्जरी पैक की डिलीवरी देंगे, मतलब वो लोग भी Z2 वाले गरीबों को कहीं गिनती में गिन ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ है आपके स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरिएंट, दोनों गाड़ियों का प्राइस लगभग सेम ही है। अब बात करनी है दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। तो दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक का जो बेस वेरिएंट एस है, अगर उसका कंपैरिजन स्कॉर्पियो क्लासिक के Z2 वेरिएंट से करे जाए और दोनों गाड़ियों की आपको डिलीवरी मिल रही हो, तो भाई आप बिल्कुल स्कॉर्पियो N का Z2 वेरिएंट लेना, स्कॉर्पियो क्लासिक के S वेरिएंट की तरफ देखना भी मत, क्योंकि इस गाड़ी में ना ही तो आपको रूफ रेल्स मिलती है, ना ही स्पॉइलर मिलता है, ना ही चढ़ने के लिए फुट स्टेप मिलते हैं। उसके बाद आपको बॉडी कलर ORVM नहीं मिलते, बॉडी कलर क्लैडिंग नहीं मिलती, इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम तक नहीं मिलता, स्पीकर्स तो क्या ही मिलेंगे, ORVM इलेक्ट्रिकल नहीं मैनुअल एडजस्ट करने पड़ते हैं अपने हाथों से। हाँ दोस्तों वो बात अलग है, स्कॉर्पियो क्लासिक का भी एक अपना ही रुतबा है और मैं भी स्कॉर्पियो क्लासिक लवर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट स्कॉर्पियो N का Z वेरिएंट है, अगर आप इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्कॉर्पियो N का Z वेरिएंट नहीं मिल रहा है तो आप महिंद्रा XUV700 का MX वेरिएंट भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको लगभग वही वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं सेम उसी तरीके से इंटीरियर एक्सटीरियर में, जैसे आपको स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट में मिलते हैं, मतलब स्कॉर्पियो N के Z2 वेरिएंट में। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो इतना पैसा स्कॉर्पियो क्लासिक में बिल्कुल भी डालना ठीक नहीं है। हाँ वो बात लगे, अगर आपको मॉडिफिकेशन के शौकीन है या फिर आपको बुकिंग में गाड़ी चलानी है तो आप स्कॉर्पियो क्लासिक बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको XUV700 के बेस वेरिएंट MX की या फिर स्कॉर्पियो के Z2 वेरिएंट की डिलीवरी मिलती है तो भाई आप उन गाड़ियों की तरफ जाएं, स्कॉर्पियो क्लासिक को बिल्कुल बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय कर दें। बाकी दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप कमेंट करके बताएं आप दोनों गाड़ियों में से कौन सी चुनना पसंद करेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्कॉर्पियो N।